मध्य प्रदेश में आज 16वीं विधानसभा के पहले शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। यहां नव निर्वाचित 230 विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस दौरान मीडिया से मुखातिब हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज 16वीं विधानसभा के सत्र का पहला दिन है, शपथ का क्रम जारी है। आज पक्ष और विपक्ष ने सकारात्मक संदेश दिया है, निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना। आज 16वीं विधानसभा का सत्र का पहला दिन है और हम सब नव निर्वाचित विधायकों ने, मेरे सहित सब ने शपथ का क्रम जारी रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हमने पहले दिन में ही एक सकारात्मक संदेश भी दिया है। पक्ष विपक्ष ने मिलकर के हमारे नवीन विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन का फॉर्म जमा किया है और मैं दल के नेता के होने के नाते से विपक्ष के इस सकारात्मक सहयोग का स्वागत भी करता हूं। आगे सीएम यादव ने कहा कि कांग्रेस के सकारात्मक सहयोग का मैं स्वागत करता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि विधानसभा में कांग्रेस सकारात्मक भूमिका निभाए। हम भी मध्य प्रदेश को नवीन ऊंचाई तक ले जाएंगे। धार्मिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। नवीन मंत्रिमंडल का जब गठन होगा, हम सभी मंत्रियों की ट्रेनिंग करेंगे ताकि वह दक्षता के साथ काम कर सकें। और मैं दल के नेता के होने के नाते से विपक्ष के इस सकारात्मक सहयोग का स्वागत भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विपक्ष अपना सकारात्मक रचनात्मक उनकी भूमिका वो निभाए और हम अपनी भूमिका निभाते हुए प्रदेश के विकास के क्रम में और नवीन ऊंचाइयों तक मध्य प्रदेश को ले जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे अपने सभी विधायक जो नवनिर्वाचित आए हैं या मंत्रिमंडल के मंत्रीगण का भी गठन होगा तो सबको अपनी प्रशासनिक दक्षता के लिए जो जो जरूरी है ऐसे वर्ग लगा करके उनकी भी बाकायदा ट्रेनिंग कराएंगे ताकि डे फर्स्ट से वो अपना काम अपनी दक्षता के साथ करे, जो उनको उत्तरदायित्व मिला वो उसमें ठीक से काम करे। दिल्ली में बीजेपी की बैठक पर मोहन यादव बोले, मैं विकास के मामले में बात करने गया था। मुख्यमंत्री का गठन भी होगा, हमारा सिस्टम है और विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म भी है। वरिष्ठ जनों के साथ विचार हो रहा है, हमारी प्रदेश इकाई भी उनसे विचार कर रही है। हमारा समर्थ विधायक दल है और उनमें से चयन भी होगा। देखिए, मैं तो विकास के मामले में बात करने गया है, लेकिन ये बात भी सही है कि जब मुख्यमंत्री बनते हैं, उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो मंत्रिमंडल का गठन भी होता है और उसमें हमारे अपने जो सिस्टम है, जो एक विचार विमर्श का प्लेटफॉर्म है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी या अन्य जो वरिष्ठ जन है वो उस पर विचार करके और हमारी प्रदेश इकाई भी उनसे परामर्श करेगी। जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, हम प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से, हमारा समृद्ध विधायक दल है और समृद्ध लोग हैं और उनमें से अच्छे लोगों का चयन भी होगा। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए खबर विभाग के साथ।